नमस्कार। एमसीक्यू से संबंधित आज के इस वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन किस संस्था द्वारा लागू की जाएगी? ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि आखिर क्वांटम क्या है। क्वांटम प्रौद्योगिकी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में विकसित क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित है, जो परमाणुओं और प्राथमिक कणों के पैमाने पर प्रकृति का वर्णन करती है। वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की, तो इसका उद्देश्य है क्वांटम प्रौद्योगिकी के नेतृत्व में आर्थिक विकास में तेजी लाना और भारत को इस क्षेत्र में एक अग्रणी राष्ट्र बनाना। इसका कार्यान्वयन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अन्य विभागों के साथ साझेदारी में मिशन का नेतृत्व करेगा। अगर इसकी हम लागत की बात करें तो 2023-24 से 2030-31 की अवधि के लिए कुल 6000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत इसमें आएगी। इसका लक्ष्य है सुपर कंडक्टिंग और फोटोनिक तकनीक का उपयोग करके 8 वर्षों में 50 से 100 भौतिक क्यूबिट वाले मध्यवर्ती पैमाने के क्वांटम कंप्यूटरों का विकास। इसका फोकस क्षेत्र है उच्च संवेदनशीलता वाले मैग्नेटोमीटर का विकास, सटीक समय के लिए परमाणु घड़ियां और क्वांटम सामग्री जैसे सुपर कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर संरचनाएं। इससे क्या क्या लाभ मिल सकता है? तो संचार, स्वास्थ्य, वित्तीय और ऊर्जा क्षेत्रों के साथ साथ दवा डिज़ाइन और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लाभ की उम्मीद है। वहीं इसकी राष्ट्रीय प्राथमिकताएं क्या होंगी? तो डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और सतत विकास लक्ष्य जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का यह समर्थन करेगा। अगर हम वैश्विक संदर्भ की बात करें तो केवल 6 अन्य देश जो हैं USA, कनाडा, फ्रांस, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, चीन क्वांटम कंप्यूटिंग के विकास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। साथी ऐप निम्न में से है। ऑप्शन ए तकनीकी कृषि उपकरणों के लिए एक पोर्टल, ऑप्शन बी फसल की जियो फेंसिंग के लिए एक मोबाइल ऐप, ऑप्शन सी बीज पता लगाने की क्षमता और प्रमाणीकरण के लिए एक पोर्टल, ऑप्शन डी कस्टम हायरिंग सेंटर पोर्टल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बीज पता लगाने की क्षमता और प्रमाणीकरण के लिए एक पोर्टल। साथ ही जिसका फुल फॉर्म है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री, भारत में सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन और इन्वेंट्री के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन सिस्टम है। इसे केंद्रीय मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। साथ ही पोर्टल एक गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली सुनिश्चित करेगा और बीज उत्पादन श्रृंखला में बीज के स्रोत की पहचान करेगा। इस प्रणाली में अनुसंधान संगठन, बीज प्रमाणन, बीज लाइसेंसिंग, बीज सूचीपत्र, किसान बिक्री के लिए डीलर, किसान पंजीकरण और बीज प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सहित बीज श्रृंखला के एकीकृत 7 वर्टिकल शामिल हैं। वैध प्रमाणीकरण वाले बीज केवल वैध लाइसेंस प्राप्त डीलरों द्वारा केंद्रीय रूप से पंजीकृत किसानों को बेचे जा सकते हैं, जो सीधे अपने पूर्व सत्यापित बैंक खातों में DBT के माध्यम से सब्सिडी प्राप्त करेंगे। सिस्टम बीजों का पता लगाने और बीज आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए QR कोड का उपयोग करेगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्न में से किन राज्यों ने 2022 के नामसाई घोषणा के अनुसार सीमा विवादों को हल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए असम और अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम और मेघालय, ऑप्शन सी असम और मणिपुर, ऑप्शन डी असम और नागालैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए असम और अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश ने सीमा विवादों को हल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। विवाद में अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों और असम के 8 जिलों के 123 गांव शामिल हैं। MOU में कहा गया है कि भविष्य में 123 गांव के अलावा कोई नया दावा क्षेत्र या गांव नहीं जोड़ा जाएगा और दोनों सरकारें सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी नए अतिक्रमण को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए सहमत है। देखते हैं चौथा प्रश्न।
आधार प्रमाणीकरण के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नियमों का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, केवल सरकारी मंत्रालयों और विभागों द्वारा आधार प्रमाणीकरण को सक्षम करना। ऑप्शन बी, सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थाओं को आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति देना। ऑप्शन सी, आधार प्रमाणीकरण को केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म तक सीमित करना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थानों को आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति देना। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकारी मंत्रालयों और विभागों के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा आधार प्रमाणीकरण को सक्षम करने के लिए नियमों का प्रस्ताव किया है। संस्थाओं को आधार अधिनियम 2016 में 2019 में अधिनियमित एक संशोधन के माध्यम से प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी गई थी, यदि वे गोपनीयता और सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं और कानून द्वारा अनुमति प्राप्त हैं या एक निर्धारित उद्देश्य के लिए प्रमाणीकरण चाहते हैं। वर्तमान में केवल मंत्रालयों और विभागों को सरकारी योजनाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति है। प्रस्तावित संशोधन निजी संस्थाओं को लाभार्थियों के लिए आधार प्रमाणीकरण की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म बनाने की अनुमति देगा। इस प्रस्ताव का उद्देश्य सभी लाभार्थियों के लिए जीवन सुगमता को बढ़ावा देना और सेवाओं तक बेहतर पहुंच को सक्षम बनाना है। बढ़ते हैं आज के पांचवें और अंतिम प्रश्न की ओर। भारत का कौन सा राज्य हक्की पिक्की जनजातियों का घर है? ऑप्शन है ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक के हक्की पिक्की आदिवासी समुदाय के 181 से अधिक सदस्य हिंसा प्रभावित सूडान में फंसे हुए हैं, जबकि सरकार उन्हें वापस लाने के प्रयास कर रही है। हक्की पिक्की एक जनजाति है जो पश्चिम और दक्षिण भारत के कई राज्यों खासकर वन क्षेत्रों के पास में रहती है। हक्की पिक्की कन्नड़ में हक्की का अर्थ है पक्षी और पिक्की का अर्थ है पकड़ने वाला। यह एक अर्ध खानाबदोश जनजाति है जो परंपरागत रूप से पक्षी पकड़ने वाले और शिकारी होते हैं। माना जाता है कि हक्की पिक्की लोग मूल रूप से गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से आते हैं। एक क्षत्रिय या योद्धा आदिवासी समुदाय के रूप में हक्की पिक्की जनजाति अपनी वीरता और साहस के लिए जानी जाती थी। हालांकि मुगल राजाओं के हाथों हार का सामना करने के बाद उन्हें सुरक्षा की तलाश में दक्षिण भारत की ओर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार MCQ से संबंधित आज के इस वीडियो में हमने कुल 5 प्रश्न देखे। आशा है कि आपने इन 5 प्रश्न पर अटेम्प्ट जरूर लिया होगा। कमेंट सेक्शन में आप हमें यह जरूर बताएं कि आपके कितने अटेम्प्ट सफल रहे। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।